हमारे पास एक पेशेंट कैटरेक्ट सर्जरी के इवेल्युएशन के लिए आए हैं। उनका नाम है मिसेस ज्योति राणे। इनको दोनों आंखों में ग्रेड 5 हार्ड ब्राउन मैच्योर कैटरेक्ट है, अपड्रॉन आईज हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, डायबिटीज भी था इनको, और ये कैटरेक्ट सर्जरी कराने के पर्सपेक्टिव से हमसे मिले। मैं कृष्ण प्रकाश निगम देहरादून से आया हूँ और मैं अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए आया था। उनके आंखों में मोतियाबंद कुछ ज़्यादा बढ़ गया था और उनको जो है आज से 4 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसके बाद इनकी आय शायद धीरे धीरे काफ़ी कमजोर होने लगी थी। मेरी आँख के ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण मेरी आँख पर पर्त सी जम गई थी दोनों आँखों पर, जिससे मुझे दिखाई देने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। मोतियाबिंद था, काला मोतियाबिंद, वो कठोर हो गया था, कड़ा हो गया था, जिसके कारण कई डॉक्टर लोग उसको ऑपरेट करने से मना करने लगे थे। तो फिर मैंने वहाँ पर देहरादून में जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ मैंने इलाज कराया, दिखाया, तो सभी ने कहा कि बड़ा रिस्की है, आप यहाँ पर हमारे पास कोई साधन नहीं है इसके, हम इलाज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ऐसे कि जी आप दिल्ली ले आइए। जब वो हमारे पास आए हमने इनको साइंटिफिकली इवेल्युएट किया। इवेल्युएट करने के बाद रीअश्योर किया कि BLK हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं टेक्निक के पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल एक्सपर्टाइज के पर्सपेक्टिव से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जो हमारे पास हैं, इन सबको कॉम्बिनेशन से हम उनको एक अच्छी कैटरेक्ट सर्जरी करके दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम पहले बहुत बार कर चुके थे। तो वी वर रियली रीअश्योर्ड कि इस पेशेंट के साथ भी हम उसी प्रोसेस को रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो इस तरह से फिर डॉक्टर विवेक गर्ग जी ने मेरी ढाढ़स बढ़ाया, मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया और मुझे उन्होंने इतना तैयार किया कि मैं ऑपरेशन दोनों आंखों का कराने के लिए तैयार हो गई। आफ्टर प्रॉपर इवेल्युएशन, उस इवेल्युएशन के अंदर हमने उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए, एक ECG कराया टू लुक फॉर एनी कोमोर्बिडिटीज व्हिच कुड हैव बीन अ रिस्क फॉर हर ड्यूरिंग द कैटरेक्ट सर्जरी। उन सारी चीजों को टेक केयर करने के बाद जब हमने पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया, तो उनको कैटरेक्ट सर्जरी किसी भी कॉम्प्रोमाइज्ड या सब स्टैंडर्ड या नॉट ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक से नहीं किया गया। उनका कैटरेक्ट सर्जरी टॉपिकल एनेस्थीसिया में ही माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी प्रोफाइल से फेको इमल्सिफिकेशन की टेक्निक यूज करके ही किया गया। ईश्वर लाख लाख धन्यवाद कि जो बहुत सक्सेस रहा और जो डॉक्टर थे मिस्टर विवेक, उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा इलाज हो जाएगा, और अगर बहुत अच्छा इलाज हुआ और उनको हर तरह से पूरा सेटिस्फेक्शन है और बिल्कुल अच्छे से देख रही हैं। BLMX का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इस तरह के कोई भी और पेशेंट्स हैं जिनको कोमोर्बिडिटीज के कारण या किसी डिफिकल्ट सिनेरियो के कारण, चाहे वो उनकी बॉडी में है या उनकी आंख में है, जिनको कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत है, उनके लिए हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। वील बी डूइंग द बेस्ट फॉर देम, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, टेक्निक एज वेल एज टेक्नोलॉजी।